आउज़ बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, ये बात तो सबको मालूम है कि इस वक्त यूरोपियन और अमेरिकन मुसलमानों से साइंसी लिहाज से सदियों आगे निकल चुके हैं, लेकिन एक दौर था जब यूरोप और अमेरिका तारीकी में डूबा हुआ था और तमाम तर इजादात और दरियाफ्तें मुसलमान ममालिक में हुआ करती थी और मुसलमान साइंसी और सकाफती दरियाफ्त के रोशन बाब तहरीर कर रहे थे। मुसलमानों के इस दौर को यूरोप वाले डार्क एजेस के नाम से याद करते हैं, जबकि ये डार्क एजेस नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए ये दौर दरखशंदा और ताबा था। आइए दोस्तों जरा माजी की इन गलियों में झांकने की कोशिश करें जिसने आज की जदीद तरीन दुनिया की बुनियाद रखी। और आज हर कोई टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंसानी तारीख के सबसे अहम तरीन दौर से मुस्तफीद हो रहा है। ख्वातिन हजरत, राइट ब्रादरान से कई सदियां पहले एक मुस्लिम मौसीकार, इंजीनियर, शायर अब्बास इब्ने फरनास ने एक उड़न मशीन की तैयारी की मुतअद्दद कोशिशें की। सन 852 ईस्वी में इसने कुर्तबा की एक अजीम मस्जिद के मीनार से एक ढीले लिबादे और लकड़ी के परों के साथ छलांग लगाई। इसे तवक्को थी कि वो एक परिंदे की तरह हवा में तैर सकेगा, मगर वो नाकाम रहा। लेकिन इस लिबादे ने नीचे गिरने की रफ्तार बहुत कम कर दी और इस तरह दुनिया का पहला पैराशूट इत्तफाकी तौर पर मुसलमानों के हाथों वजूद में आ गया। कुछ अरसा बाद इसने रेशम और अकाब के परों से एक मशीन तैयार करके फिर पहाड़ से छलांग लगा दी और इस बार ये 10 मिनट तक हवा में तैरता रहा, तहम उतरते ही क्रैश हो गया और कुछ थोड़ा सा जख्मी भी हुआ। इसने इस प्रवास से नतीजा निकाला, जो कि दुरुस्त भी था, कि अपनी डिवाइस में टेल यानी दुम ना लगाने की वजह से लैंडिंग खराब हुई और इस तरह जहाज में टेल यानी दुम का नजरिया भी पहली बार इसने ही दिया। इसके अलावा जदीद अहद के मुतअद्दद सर्जिकल आलात की बुनियाद 10वीं सदी के मुस्लिम सर्जन अल जहरवाई ने रखी। इनके नश्तर, कैंचियां और दीगर 200 आलात की अहमियत को आज के अहद के सर्जन भी मानते हैं। अल जहरवाई ने जख्मियों को टांके लगाने वाला ऐसा धागा भी तैयार किया जो कुदरती तौर पर जिस्म से अलग हो जाता था। इसी तरह कैप्सूल भी अल जहरवाई की इजाद है। दोस्तों, 13वीं सदी में एक और मुस्लिम माहिर तिब इब्ने नफीस ने दुराने खून यानी ब्लड प्रेशर की वजाहत की, जबकि मुसलमान डॉक्टरों ने ऐसी सुइयां तैयार की जिससे किसी को बेहोश किया जा सकता था और ये टेक्निक आज भी दुनिया भर के ऑपरेशन थिएटर्स में इस्तेमाल हो रही है। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, पहला फाउंटेन पेन 953 में एक मिस्री सुल्तान ने इजाद किया, क्योंकि वो ऐसा कलम चाहता था जिसके दाग इसके हाथों या कपड़ों पर ना लग सकें, क्योंकि इस कलम में दूसरे कलमों के बरक्स स्याही अंदर जखीरा होती थी और निब के जरिए इससे लिखा जाता था। नाज़रीन इकराम, कदीम यूरानियों का ख्याल था कि हमारी आंखें किसी लेजर की तरह शुआएं खारिज करती हैं जिसके बायस हम देख पाते हैं। ताहम जिस शख्स ने सबसे पहले ये जाना कि रोशनी आंखों से निकलती नहीं बल्कि दाखिल होती है, वो 10वीं सदी के मुस्लिम साइंसदान इब्ने अल हैशम थे और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पहला पेन होल कैमरा ईजाद किया और पहली लैब को तश्कील दिया। ख्वातिन हज़रात, नहाना धोना मुसलमानों की मजहबी जरूरत है और यही वजह है कि उन्होंने आज के दौर में इस्तेमाल होने वाला साबुन अपने दौरे उरूज में ईजाद किया। कदीम मिस्र और रूम में साबुन जैसी कोई चीज इस्तेमाल होती थी, मगर ये अरब थे जिन्होंने सब्जियों के तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के इम्तिजाज से मुख्तलिफ खुशबुआत का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि शैम्पू भी इंग्लैंड में एक मुस्लिम ने 1759 में मुतारिफ करवाया। नाज़रीन इकराम, शाफट एक ऐसी डिवाइस है जिसको जदीद अहद की मशीनरी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है और इंसानी तारीख की अहम तरीन मैकेनिकल इजाद में से एक है। इसको मुस्लिम इंजीनियर अल जराजी ने इजाद किया, जिसके जरिए पानी को कुओं की तह से ऊपर लाकर आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, ईसाई दुनिया के गिरजाघरों में गुंबद की तामीर का तसव्वुर भी इस्लामी तालीमात से लिया गया है। ये गोल तामीर इस तर्ज तामीर से कई गुना बेहतर था जो रोमन इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसके जरिए इमारत को ज्यादा बड़ा, ऊंचा और कॉम्प्लेक्स शक्ल देना आसान हो गया। इसके अलावा मुस्लिम दुनिया के मेंबर्स, रोज विंडोज और दीगर तामीरात फन, यहाँ तक के यूरोपी किले भी इस्लामी दुनिया की नकल है। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, अली इब्ने नफी, जिन्हें जरियाब के नाम से भी जाना जाता है, इसने 9वीं सदी में शीशे या क्रिस्टल का गिलास ईजाद किया। इससे पहले लोग सोने, चांदी और मट्टी के गिलास और बर्तन इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा कालीन भी इस्लामी माहरीन की जदीद तरीन सिलाई की तकनीक की ईजाद थी, जिसके जरिए इन पर इंतहाई दीदाजेब नक्शो निगार उभारे जाते थे और वहां से ही ये यूरोपियन ममालिक में पहुंचे। नाज़रीन इकराम, जदीद अहद के चेक की बुनियाद अरबी सख्त से निकली, यानी ऐसा तहरीरी वादा जिसमें अशिया की डिलीवरी पर रकम का वादा किया जाता था। 9वीं सदी में एक मुस्लिम कारोबारी चीन में चेक कैश करा सकता था, जिसके लिए बैंक बगदाद में काम करता था।
خواتین و حضرات، یہاں پر ایک ایسے شخص کا ذکر کرنا سونے پر سہاگا ہوگا جسے دنیا آج جابر بن حیان کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے کیمیائی تجربے میں کمال پیدا کر کے اس کے نکات بیان کیے جو آج کے اس دور میں بھی قابل استعمال ہیں۔ جابر نے لوہے پر تجربے کیے اور بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد بنایا جا سکتا ہے، اور نیز یہ بھی بتایا کہ لوہے کو زنگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ چمڑے کو رنگنے کا طریقہ بھی جابر بن حیان نے ہی دریافت کیا۔ اس نے بالوں کو کالا کرنے کے لیے خضاب کا نسخہ تیار کیا۔ دوستو، جابر بن حیان نے تین قسم کے نمکیات بھی معلوم کیے۔ دوستو، اس کا سب سے بڑا کارنامہ تیزاب کی ایجاد ہے، اور اس نے کئی قسم کے تیزاب بنائے۔ تیزاب بنانے میں اس نے گندک، شورا اور نشادر کو مناسب انداز سے استعمال کیا۔ ناظرین اکرام، بتایا جاتا ہے کہ ایک بار تیزاب بناتے ہوئے اس کی انگلی بھی جل گئی تھی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور مزید ہماری رہنمائی کرتے رہیں کہ ہم اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔